मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद जनरल पैथोलॉजी। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट्स गेट कंसेप्चुअल, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद सेल इंजरी। तो सेल इंजरी बेसिकली होता क्या है? सेल इंजरी इम्प्लाइज दैट कि कुछ मेटाबॉलिज्म का एरर, या फिर कोई स्ट्रक्चरल एरर, या फिर कोई न्यूट्रिशनल एरर, कुछ भी मतलब जो रिलेटेड हो सेल के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करे, दैट विल लीड टू सेल इंजरी, राइट। तो बिफोर सेल इंजरी, हर एक चीज़, कोई भी इंजरी होने से पहले एडेप्टेशन करती है, ठीक है। तो सेल भी वही करेगा। तो बिफोर सेल इंजरी अकर्स, इट अंडरगोज सेलुलर एडेप्टेशन। तो वो बेसिकली एडेप्टेशन इज रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर फॉर एग्जांपल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट का हम ले, तो फिर हाइपर हाइपर अगर सॉल्यूशन है तो वो श्रिंक हो जाएगा, फिर अगर हाइपो सॉल्यूशन है तो फिर स्वेलअप हो जाएगा, और फिर आइसो है तो कुछ नहीं होगा। मतलब इट इज़ बेस्ड अपॉन द टोनिक, मतलब जो टोन होता है फ्लूइड का या अराउंड कंसंट्रेशन का, उस हिसाब से सेलर अडेप्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया एंड एट्रोफी। इसके बारे में डिटेल्ड हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिकली इट्स लाइक हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल नंबर, हाइपरट्रोफी का मतलब होता है इंक्रीज इन सेल साइज, मेटाप्लेजिया इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, सॉरी इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एट्रोफी मीन्स सेलुलर डिवीजन ही रुक जाता है, राइट। सेलुलर एडेप्टेशन की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द सेल मेक सेवरल चेंजेस टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेसफुल कंडीशंस, ठीक है। बट एट सम टाइम द एडेप्टेशन इज नॉट पॉसिबल, सो द सेल इंजरी अगर्स। अब हर बार तो एडेप्टेशन काम नहीं आएगा, तो सेल इंजरी हो जाएगी। एंड इट कैन ऑल्सो अकर इफ, अगर सेल इंजरी तभी भी हो सकती है जब दे आर एक्सपोज टू डैमेजिंग एजेंट, सफर फ्रॉम इंट्रेंसिक एबनॉर्मलिटी। कॉजेज, अब आ जाते हैं कॉजेज पे। अब कॉजेज में है ना, बेसिकली सेवन फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड फॉर सेल इंजरी। तो उसमें से सबसे पहला है हाइपोक्सिया, दैट इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड इज फिजिकल एजेंट्स लाइक टेम्परेचर, रेडिएशन एक्सेट्रा। थर्ड इज केमिकल, दैट इज टॉक्सिक केमिकल, इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में इम्यूनो डेफिशियंट, या फिर ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर कोई, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर हाइपर हो सकता है कोई भी, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाए कम हो तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर जेनेटिक, लास्टली फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या फिर म्यूटेशन इन सेल, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक एक कॉजेज को डिफाइन करते हैं हम कि हाइपोक्सिया होता क्या है। तो हाइपोक्सिया इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। थ्री मेन कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया दैट आर इश्चेमिया, हाइपोक्सेमिया एंड थर्ड इज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब इश्चेमिया और हाइपोक्सेमिया का डिफरेंस जान लेना बहुत ज़रूरी है। इश्चेमिया मीन्स रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन आर्टरीज और वेन्स इन बॉडी, ठीक है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल एथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसमें द डिपोजिशन ऑफ क्ले अकर्स इन द ट्यूनिका इंटीमा, इनर मोस्ट लेयर में प्लेग का जमा हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है एंड दैट कॉजेज डैमेज इन वाइटल वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, ब्रेन एंड ऑल वाइटल ऑर्गन्स, राइट। उसका आगे हम CVS पैथोलॉजी में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इश्चेमिया का रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, ओके। हाइपोक्सेमिया का मतलब है कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी ब्लड, मतलब इश्चेमिया इज रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन द बॉडी एंड हाइपोक्सेमिया इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ऑक्सीजन और रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो इन बॉडी को रिलेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो दोनों अलग 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 टर्म्स हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, सो मैंने पहले ही बता दिया, राइट। अब थर्ड पॉइंट है कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। तो सबसे पहले उसका कॉज क्या, तो कॉज इज अनीमिया, दैट इज इंक्रीज इन ब्रेकडाउन ऑफ RBC, हीमोलाइसिस, ठीक है। अब बेसिकली हम नॉर्मल साइकिल देखे जाए
तो ये है, इधर नीचे देख सकते हो आप कि नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस में है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस आया तो उसने अडेप्ट किया। अब अगर अडेप्ट नहीं कर पाया तो सेल इंजरी होगी, ठीक है, वो हमने अभी सीखा। फिर सेल इंजरी भी दो टाइप की होती है, कि अगर ट्रांजिएंट या फिर थोड़ी सी मतलब टॉलरेबल हो तो इट्स कॉल्ड एज रिवर्सिबल इंजरी, और रिवर्सिबल इंजरी फिर से इट विल लीड टू द नॉर्मल होम्योस्टेसिस, वो कर सकता है फिर से। और फिर अगर सीवियर और प्रोग्रेसिव हुई दैट विल लीड टू इरिवर्सिबल इंजरी ऑल एंड फर्दर इट विल कॉज नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड सेल डेथ। ये तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वाया एटीपी डिप्लीशन, छह मेन मैकेनिज्म होता है सेल इंजरी के, तो उसमें सबसे पहला है वाया एटीपी डिप्लीशन, राइट? उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, एटीपी डिप्लीशन, कैल्शियम, इंक्रीज्ड कैल्शियम एंट्री इन साइटोसोल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज। अब एटीपी डिप्लीशन कैन लीड टू मल्टीपल इफेक्ट्स। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होता है कि लीकेज ऑफ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होता है, जिससे कि एपोप्टोसिस स्टिम्युलेट होता है। कैल्शियम एंट्री में परमेबिलिटी इंक्रीज होती है माइटोकॉन्ड्रियन की, एंड एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत सारे, दैट विल लीड टू सेल्युलर डेथ। फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में वो लिपिड, प्रोटीन एंड डीएनए को हार्म करता है, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन डैमेज में सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है एंड लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज में इंक्रीज इन एपोप्टोसिस होता है ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया। हम इसके मैकेनिज्म समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैकेनिज्म को समझते हैं, वाया एटीपी डिप्लीशन। अब इस्केमिया जब होता है, मतलब इस्केमिया मतलब रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, दैट विल कॉज हाइपोक्सिया। एंड हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ईटीएस या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन एटीपी, राइट? एंड डिक्रीज इन एटीपी विल हैव मेन थ्री इफेक्ट्स, ठीक है। तो वो उसमें देखो कि सोडियम एंड पोटेशियम पंप को अफेक्ट करेगा, उसके वजह से आयनिक कंसेंट्रेशन बैलेंस नहीं हो पाएगा, उससे सेल स्वेल हो जाएगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल स्वेल कर जाएगा, और फिर लॉस ऑफ माइक्रोविला जिससे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब एटीपी ही कम होगा तो, और हाइपोक्सिया कंडीशन पहले से ही है तो ओटू कम मिल रहा है, तो सेल विल अंडरगो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, राइट? तो दैट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, सबने वो पाथवे तो पढ़ा ही होगा 12th में, राइट? तो दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड विच ऑन अक्यूमुलेशन इन मसल्स कॉजेज अस क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, राइट? तो उससे लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम हो जाएगी, एंड पीएच कम होगी तो क्रोमेटिन का क्लंप पीक हो जाएगा, मतलब क्लस्टर्स गुच्छा टाइप बनेगा, राइट? दैट विल फर्दर लीड टू द सेलुलर डैमेज, ठीक है। एंड थर्ड इज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। डिटैचमेंट मतलब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। अब वो रफ क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम विच विल हेल्प देम इन द प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है कि इधर पे डिटैच हो रहा है, तो राइबोसोम डिटैच हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं पाएगी, तो डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंड डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस एक बार हो गया तो फिर सेलुलर डैमेज कैसे हो जाएगा? तो प्रोटीन तो पूरा सेंट्रल डोग्मा इफेक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से सेलुलर डैमेज होगा। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज पे। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? अब माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या होगा? पहले तो हमने इधर देखा कि लीकेज ऑफ प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स, तो उसमें साइटोक्रोम सी है विच विल स्टिमुलेट एपोप्टोसिस, ठीक है, तो वो लीकेज हो गया। अब दूसरे में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज इंड्यूसेस द माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी ट्रांजिशन पोर। अब जो ट्रांजिशन पोर होता है उसमें आउटर साइड में ना आयंस होता है, ठीक है, वो आयंस का जो परमेबिलिटी लेवल है ना वो बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है परमेबिलिटी, तो जो पोटेंशियल मेंटेन किया होता है आयंस ने, तो वो आयंस का पोटेंशियल पूरा गिर जाएगा, उसको वजह से कम एटीपी बनेगा। और अगर कम एटीपी बनेगा तो अकॉर्डिंग टू मिचेल हाइपोथेसिस, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ ही नहीं तो एटीपी कम बनेगी, राइट? या बनेगी ही नहीं, बिकॉज एच प्लस ग्रेडियंट मेम्ब्रेन से साइटोसोल में जा ही नहीं रहा, तो एक्सचेंज जब तक होगा नहीं तब तक एटीपी बनेगा नहीं, ठीक है। तो इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम
एंड फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीजन डैमेजेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्दर द सेम मैकेनिज्म एज अबव वर्कर्स. अब ये कैल्शियम हो या फ्री रेडिकल हो या फिर ऑक्सीजन स्पीशीज हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें बेसिकली यही है कि पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड एंड दिस विल लीड टू द डिप्लीशन इन द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दिस हेंस विल अकर अकर द सेल डेथ या फिर सेल इंजरी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. आगे है कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द साइटोसोल. अब साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म होता है. तो व्हेन सेल इज इन द स्ट्रेस कंडीशन इट मे अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच कैन कॉज इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. मतलब इनसाइड अगर साइटोसोल में कैल्शियम कम है तो बाहर से अंदर आएगा, सिंपल है. एंड दिस विल कॉज द इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन एंड दिस विल कॉज द माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी. तो मैंने बोला पोटेंशियल लॉस होगा तो उसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन घटेगा, सिंपल है. एंड एक्टिवेट एंजाइम्स. अब एक्टिवेट एंजाइम्स करेगा तो वो कौन से एंजाइम एक्टिवेट करेगा, जैसे कि जो ब्रेक डाउन करते हैं, जो लाइस करते हैं, राइट. तो एटीपेज विच ब्रेक डाउन एटीपी, फॉस्फोलाइपेज विच ब्रेक्स डाउन फॉस्फोलिपिड, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, हेंस ब्रेक डाउन सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा एंड एंडोन्यूक्लियस दैट विल कॉज द डीएनए डैमेज. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पे. दिस इज द मेजर कंपोनेंट या फिर बोल सकते हैं मेजर प्रॉपर्टी या फिर रीजन जिससे सेल डेथ या सेल इंजरी होती है मोस्टली केसेस में. ठीक है, फ्री रेडिकल्स कैन बी ऑटो कैटेलिटिक. अब ऑटो कैटेलिटिक का मतलब समझना जरूरी है. ऑटो कैटेलिटिक का मतलब होता है इट बिहेव्स एज अ कैटेलिस्ट. वंस इट द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड द वो प्रोडक्ट को भी कैटेलाइज कर देगा. मतलब इट विल फॉर्म अ सब्सिक्वेंट चेन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट विल लीड टू मोर एंड नोन प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो जैसे कि हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था कि ऑक्सीजन ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्लोरीन सीएफसी से जो क्लोरीन निकलता है दैट विल डिस्क्रीट द ओजोन इनटू O2 प्लस O फ्री रेडिकल एंड दैट द O फ्री रेडिकल या फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल विल इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ द अदर. सो वो चेन ऐसी कंपैरिजन में बोल रहा हूँ मैं, तो सेम प्रोसेस विल अकर इन आवर बॉडीज. सो दे रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड एंड कन्वर्ट देम इनटू फ्री रेडिकल्स. ठीक है, कॉजेज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन वाया नॉर्मल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. वो पार्शियल होता है. ठीक है, तो इट विल लीड टू ऑक्साइड हाइपोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन फ्री रेडिकल. ठीक है, तो वाया और कॉजेज है ये एंड वाया आयोनाइजिंग रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजिनस केमिकल और ड्रग्स, वाई ट्रांजिशन मेटल्स. अब ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आर दोज मेटल्स विच हैव डिफरेंट ट्रांजियंट स्टेट. मतलब आयन्स फॉर्म में वो मल्टीपल आयन्स फॉर्म शो करते हैं, जैसे कि इधर पे H2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फेरस इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक. ठीक है, तो इट विल लीड टू द प्रोड्यूस ऑफ द हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल फॉर्म. ठीक है, तो अब सवाल आता है कि फ्री रेडिकल डैमेज कैसे करता है. तो वो सिंपल है कि लिपिड के परऑक्सीडेशन वो अलग अलग लिपिड को कैसे करेगा, वो परऑक्सीडेशन कर देगा उसका, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी बिकॉज फॉस्फोलिपिड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन कैसे कर देगा, तो क्या होगा, बिकॉज हाफ ऑफ द मोर ऑफ द प्रोटीन्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर बिहेव एज एंजाइम्स. ठीक है, अब उसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो उनका स्ट्रक्चर पहले जैसा रहेगा नहीं, तो पहले जैसा रहेगा नहीं तो दिल विल बिहेव एज एबनॉर्मल एंजाइम्स एंड एबनॉर्मलिटीज विल लीड टू द सेल इंजरी. ठीक है, अब डीएनए डैमेज कैसे करेगा कि वो म्यूटेशन कर देगा, वो नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच्ड होके कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंपोनेंट्स बना देगा विच विल कॉज म्यूटेशन ऑफ द डीएनए. ठीक है, एंड अब नेक्स्ट रीजन पे आते हैं मेम्ब्रेन डैमेज. अब कॉमन कॉज उसके क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया, इंक्रीज्ड कैल्शियम इन साइटोसोल, बैक्टीरियल एंड वायरल टॉक्सिन्स, लाइटिक कंपोनेंट्स एंड फ्री रेडिकल्स. नेक्स्ट है मिसफोल्डिंग प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज. अब मिसफोल्डिंग कैसे हो रही है, प्रोटीन राइबोसोम में है और पहले हमने देख लिया कि सेल इंजरी के वक्त डिटैच होता है राइबोसोम जिससे कि डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है एंड अब वो फोल्ड अप एंजाइम बन रहा है बट कभी कभी ये डिटैचमेंट के वक्त ही है ना एबनॉर्मलिटीज हो जाती है फोल्डिंग में. ठीक है, तो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन विच विल कॉज म्यूटेशन एंड दस
डीएनए डैमेज अकर्स। ओके, अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजरी, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में रिटर्न्स टू नॉर्मल स्टेट आफ्टर इंजरी, ठीक है, एंड इरिवर्सिबल इंजरी में डज नॉट रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट, नाम ही अपने आप को स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब हॉलमार्क होते हैं सेल इंजरी के, ठीक है। तो सेलुलर स्वेलिंग, दिस विल अकर ड्यू टू द एटीपी डिप्लीशन ड्यूरिंग सेल इंजरी। ओके, एंड मैकेनिज्म उसका क्या है, इंजरी को मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को बढ़ाता है, सोडियम आयन इन्फ्लक्स को बढ़ाता है, ठीक है, एंड दिट विल लीड टू इम्बेलेंस एंड स्वेलिंग अकर्स। ये हम पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को डैमेज किया तब मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ी, आयन कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हुआ और आयन इम्बेलेंस हो गया उसकी वजह से और स्वेलिंग ऑफ आयन्स हो गया, ठीक है। अब सेकेंड हॉलमार्क है फैटी चेंजेस, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म इन इंजर्ड सेल, दिस चेंजेस आर सीन इन द सेल आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म और डिपेंडेंट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। ये एक सेंटेंस को समझना जरूरी है, इसमें क्या लिखा है कि सेल मेटाबॉलिज्म में जो सेल इन्वॉल्व है या फिर डिपेंडेंट है फैट मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सेल पे ये चेंजेस देखेंगे। एग्जाम्पल है लिवर, हिपेटोसाइट्स एंड मायोकार्डियम, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, मतलब बाहर से कैसे दिखेगा, तो सिंपल सी बात है, सेल स्वेलिंग हो गई है, वॉल्यूम बढ़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है टिश्यू क्या वॉल्यूम बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा, और टिश्यू का वॉल्यूम और वेट बढ़ेगा तो कंप्लाई करेगा कि ऑर्गन का वेट भी बढ़ जाए, ठीक है। तो हम इधर देख ही सकते हैं, लॉट ऑफ सेल आर इन्वॉल्व इन इंजरी दैट एरिया, देन इट विल गिव अ पेल अपीयरेंस, स्वेलिंग एंड वेट ऑफ ऑर्गन विल बी इंक्रीज, ठीक है, सिंपल है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, प्रेजेंस ऑफ अमॉर्फस सब्सटेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ईआर स्वेलिंग, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक है। टू फिनोमिनम विच अकर्स ड्यूरिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी आर, फर्स्ट इरिवर्स इनएबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मतलब एक बार माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो गया तो फिर उससे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज रिकवर नहीं हो पाएगा, उससे एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा एंड दिस विल लीड टू सेलुलर डेथ। देयर विल बी प्रोफाउंड डिसफंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, आइदर इट मे बी सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम, ठीक है, मतलब डिसफंक्शन हो जाएगा मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन या लाइसोसोम का फर्दर फंक्शन नहीं हो पाएगा। इरिवर्सिबल सेल इंजरी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो हम ब्रीफली देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इरिवर्सिबल इंजरी विल लीड टू नेक्रोसिस, सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस। बेस में नीचे, सबसे नीचे आप देख सकते हो, तो नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड सेल डेथ। तो सेल डेथ तो हो रही है और नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस दे आर द हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी। सो लास्टली हम इधर पे आज का लेक्चर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। थैंक यू।